हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है वो खासकर सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बी कॉम के स्टूडेंट हैं, बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बी बी ए के स्टूडेंट हैं, इनके लिए जानना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए आज हम इसके बारे में ही थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो जब कभी भी हम कोई भी अमाउंट किसी दूसरे पर्सन से एज ए लोन बोरो करते हैं तो हमें उस पर कुछ एडिशनल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। ये एडिशनल अमाउंट जो हम उससे पे करते हैं, ये एडिशनल अमाउंट ही आपका इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट रिपेड और ओरिजिनल प्रिंसिपल का डिफरेंस के इक्वल होता है। अब टर्मोलॉजी की बात करते हैं कि जब हम कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक टर्मोलॉजी हम क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो अमाउंट होता है जो हम एज ए लोन किसी दूसरे पर्सन से लेते हैं। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका इसी प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। दूसरी चीज़ आती है अमाउंट। अमाउंट ए जो होता है वो रिफ़र करता है टोटल ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट ए जो होता है प्रिंसिपल पी और इंटरेस्ट आई का सम के इक्वल होता है। तीसरी चीज़ आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका यहाँ पर वो टाइम पीरियड रहता है जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप वो लोन बोरो करते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा। चौथा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो रेट इंटरेस्ट होता है जो आपको डिसाइड किया जाता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होते वक्त जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी भी चेंज ना हो, यानी कि टाइम टू टाइम आपका टाइम पीरियड जरूर चेंज होते रहे लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज ना हो, तो वहाँ पर जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। यानी कि अगर आपका हर टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल सेम रहे तो वो आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। यहाँ पे फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1000 रुपीज़ का 5 ईयर्स का 4% पर एनम से, तो आपने फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसका इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, पी की वैल्यू 1000 रुपीज़, रेट है आपका 4 और टाइम है 5। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 200 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपीज़ का 5 ईयर्स का 4% पर एनम की रेट से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसा कि आपने देखा अभी ये तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी, अब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे डिफर है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका हर एक टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका प्रिंसिपल इसके इंटरेस्ट में ऐड हो जाता है, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए वो जो नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगली बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस नए प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लास्ट में जो आपका फाइनल अमाउंट बचता है और जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको भी मैं एक अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस गिवन फार्मूले के बेसिस पे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो फार्मूले दे रखे हैं, एक फार्मूला है अमाउंट निकालने का, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अमाउंट के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + रेट अपॉन 100 की पावर n, यानी कि टाइम पीरियड। और सीआई के लिए हम क्या करते हैं, सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप सीआई को डायरेक्टली फार्मूले में लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं या अमाउंट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10000 रुपीज़ का 3 ईयर्स का 10% पर एनम के 3 साल के लिए, तो यहाँ पर आपके पास आपने ये फार्मूला अप्लाई करा, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू 10000, टाइम आपका 3 ईयर्स, रेट आपने 10% अप्लाई किया,
कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 10,000 वन प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आ रहा है 13,310। अब अगर हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो 13,310 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 3,310। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके आया 3,310। आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके पास पावर ज़्यादा आती तो या तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या फिर हम लॉग या एंटी लॉग टेबल की हेल्प लेते हैं। तो देखा आपने दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आता है वो ये आता है कि हमारे पास हर एक टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल अमाउंट अगर सेम रहता है तो वो इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और अगर हर एक टाइम पीरियड के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका चेंज होता चला जाता है, यानी कि प्रिंसिपल के साथ साथ तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगने लगता है तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो होप आप लोगों को ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए मैं तब तक के लिए थैंक यू।